आज 12:07 पर एक बड़ी दुखद खबर, दिल्ली के एम्स से आई। पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली का 12:07 पर निधन हो गया। दिल्ली के एम्स में उन्होंने अंतिम सांस ली। 9 अगस्त से वो दिल्ली के एम्स में भर्ती थे। 67 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। 28 दिसंबर 1952 को नई दिल्ली में उनका जन्म हुआ था। हालत गंभीर बताई जा रही थी। लगातार जो बीजेपी के बड़े नेता हैं वो एम्स का दौरा कर रहे थे। ना बोल सकते हो, देश और दुनिया के हर महत्वपूर्ण मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी उनसे राय लेती थी। संसद हो, संसद के बाहर हो, पार्टी के या सरकार के बाद सरकार के पक्ष को रखना होता था तो जेटली जी से बेहतर कोई प्रवक्ता मिलता नहीं था। विषयों का विश्लेषण करना, उसकी गहराई में जाना और उसकी एक एक चीज स्पष्ट कर देना, यह उनकी अद्भुत मेधा का कमाल हुआ करता था। भारतीय जनता पार्टी को खड़ा करने में जेटली जी का अतुलनीय योगदान है। 2003 में वो मध्य प्रदेश के प्रभारी थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनाने के लिए जो काम उन्होंने किया था वो अद्भुत था। पहले कोई कल्पना नहीं करता था कि बीजेपी की सरकार हम बन जाएगी। पार्टी में हमेशा वो फैसले करते थे मेरिट के आधार पर, व्यक्तिगत संबंध मेरिट पर कभी हावी नहीं हुए। लगातार उन्होंने नैतिक मूल्यों की राजनीति की और जो काम मिला उसको अद्भुत ढंग से उन्होंने संपन्न किया। एक नहीं अनेकों स्मृतियां हैं, यादें हैं। कैंसर जैसी महाभयंकर बीमारी से जूझते हुए वो इतने फक्कड़ थे कि हमारी राष्ट्रीय चुनाव समिति की बैठकों में रात को 2-2 बजे तक बैठे, और जब वो बैठते थे तो माहौल को बहुत सरल और सहज कर देते थे। लगता ही नहीं था कि वो इतनी बड़ी बीमारी से जूझ रहे हैं। हमें उम्मीद थी कि वो मौत से लड़कर लौटेंगे। अंतिम क्षण तक वो ब्लॉग लिखते रहे, ट्वीट करते रहे, सोशल मीडिया पे सक्रिय रहे। कोई मृत्यु सैया पर पड़ा हो और धारा 370 के बारे में, कश्मीर के बारे में, देश के महत्वपूर्ण मामलों के बारे में वहीं से अपनी राय प्रकट करते हो और देश का मानस बनाने की कोशिश करते हो, ऐसा जीता जागता महापुरुष मैंने तो नहीं देखा। एम्स में जाने के पहले मेरी बातचीत हुई और तब उन्होंने ये जरूर कहा था कि बहुत पेनफुल प्रक्रिया है, बहुत लंबी प्रक्रिया है, जो बीमारी मुझे है तो दर्द सहना पड़ेगा, लेकिन प्रक्रिया भी बहुत लंबी है। वो तकलीफ से वाकिफ थे, सहन कर रहे थे, लेकिन तब भी हम उम्मीद करते थे कि वो लौटेंगे। मैं अस्पताल भी गया था, परिजनों से मिल के आया था, क्योंकि उनके स्वास्थ्य के लिए उचित नहीं था कि उस समय उनके पास जाया जाता, लेकिन फिर भी हम किसी चमत्कार की उम्मीद कर रहे थे कि खुद जेटली जी के लिए नहीं, देश के लिए जेटली जी रह सके। मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूं। तो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को आप सुन रहे थे। बड़ी क्षति बीजेपी को यहां पर हुई है। अरुण जेटली का आज दिल्ली के एम्स में 12:07 पर निधन हो गया। शनिवार को उन्होंने अंतिम सांस ली। ये वो लेटर है, प्रेस रिलीज हम आपको दिखा रहे हैं जो एम्स की ओर से जारी की गई, जिसमें ये जानकारी दी गई कि 24 अगस्त 12:07 पे देश के पूर्व वित्त मंत्री और बीजेपी के कद्दावर नेता रहे अरुण जेटली ने अंतिम सांस दिल्ली के एम्स में ली। बड़े वकील भी थे, राजनीतिक गलियारे में
बहुत नाम भी उनका था और कहा जाता है कि तमाम बड़े फैसलों में उनकी सलाह जरूर ली जाती थी। अनिल सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल, कह सकते हैं बीजेपी के लिए बहुत बड़ी क्षति है सुषमा स्वराज के जाने के बाद, एक और बड़ा झटका बीजेपी को लगा है। देखिए, जाहिर सी बात है कि अरुण जेटली वो सक्सेस है जिसको शायद बीजेपी के लिए अब कहा जाए कि वो काफी धक्का उसको लगा होगा, क्योंकि सुषमा स्वराज से पहले उनका निधन हुआ, अब अरुण जेटली का। अरुण जेटली कहा जाता है अरुण जेटली के बारे में कि वो बीजेपी के लिए एक संकट मोचक थे, कि जब भी अगर बीजेपी के ऊपर किसी तरीके का संकट आता था या कोई तरीके की कोई आरोप लगते थे तो सबसे पहले अरुण जेटली उस आरोप का सामना करने आते थे और वो उस बारे में सबसे पहले उनका बयान आता था, तो एक तरीके से वो संकट मोचन थे। अब वो संकट मोचन बीजेपी के में नहीं रहे, क्योंकि पिछले 9 अगस्त से वो एम्स में भर्ती थे जहां पर उनकी हालत में तो पहले कहा जाता कि थोड़ा थोड़ा सुधार हो रहा है, लेकिन फिर पिछले कुछ दिनों से खबर ये आने लगी थी कि उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। लेकिन आज आखिरकार 12:07 के आसपास एम्स की तरफ से जो रिलीज आई है उसमें कहा गया है कि 12:07 के आसपास अरुण जेटली जी ने अंतिम सांस ली और उसके बाद उनका अब जो है निधन हो गया। तो बीजेपी के लिए कहा जाए तो एक काफी क्षति है उस पार्टी के लिए उनकी। हालांकि अब सभी दुख जता रहे, चाहे वो विपक्ष हो चाहे सत्ता पक्ष के लोग, सभी लोगों का ट्वीट के जरिए अपना दुख जाहिर कर रहे हैं और साथ ही साथ जो तमाम नेता हैं वो धीरे धीरे एम्स पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं कि सभी नेता जिससे वहां पे। अनिल, आप हमारे साथ में बने रहिए। अपने दर्शकों को ये दो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर दिल्ली के एम्स के बाहर की है, क्योंकि बहुत बड़ी हस्ती थे, देश के बहुत बड़े नेता थे, पूर्व वित्त मंत्री भी थे अरुण जेटली, इसी लिहाज से सुरक्षा के इंतजाम भी किए गए हैं, क्योंकि समर्थकों के आने की जो है आशंका होती है और मीडिया का भी जमावड़ा लगना शुरू हो गया है। और दूसरी तरफ हम वो चेहरा दिखा रहे हैं जिसे कभी नहीं भूला जा सकता, देश के पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली। लगातार 5 साल उन्होंने देश के सामने देश का बजट रखा, मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में सफल वित्त मंत्री के तौर पर तमाम बड़े फैसले लिए, जीएसटी जैसा बड़ा फैसला उन्होंने लिया। कहा यह भी जाता था कि नोटबंदी के बारे में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आधी रात को घोषणा की कि आधी रात से जब है जो है कि पुराने नोट नहीं चलेंगे, इस बारे में भी अरुण जेटली को मालूम नहीं था, ये बहुत गोपनीय फैसला था। उसके बाद भी लेकिन जो हालात बने उनको बखूबी यहां पर वित्त मंत्री ने संभाला। ये तस्वीर हम आपको दिल्ली के एम्स के बाहर दिखा रहे हैं और दिल्ली के एम्स के बाहर की दिखा रहे हैं। आप देखिए कि बैरिकेडिंग की गई है, एग्जिट डोर है ये, और किसी तरीके के हालात ना बिगड़े या क्योंकि बहुत बड़ी शख्सियत है थे और बहुत बड़े नेता बीजेपी के थे, इसी के चलते इंतजाम किए गए हैं और मीडिया की गाड़ियां भी वहां पर मौजूद हैं। जी अनिल, आप अपनी बात पूरी कीजिए। और दिल्ली से भी उनका नाता काफी अच्छा था और दिल्ली में उच्च न्यायालय में वरिष्ठ वकील भी थे और तमाम बड़े जो पद है दिल्ली में भी उनके पास थे। बिल्कुल, तो अपने संवाददाता के पास एक बार फिर से जाएंगे, लेकिन ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, दुखद खबर बता रहे हैं कि देश के पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली का निधन हो चुका है। 9 अगस्त को उनको दिल्ली के एम्स में भर्ती किया गया था, तब से ही लगातार डॉक्टरों की टीम उनकी निगरानी कर रही थी। जिस दिन ये खबर आई कि हालत गंभीर है, उस दिन अमित शाह भी पहुंचे, उनसे मुलाकात की, लगातार उनके हाल का जो है जानकारी वो लेते रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे थे, मुलाकात उनसे की थी, परिवार यहां पर लगातार मौजूद था उनका, और भी बड़े नेता थे, मायावती भी पहुंची थी मिलने के लिए, कांग्रेस के भी नेता पहुंचे थे। तो क्या विपक्ष क्या पक्ष, हर कोई उनके हाल को जानने के लिए, क्योंकि हालत गंभीर लगातार बताई जा रही थी उनकी, जिसके बाद में दुआ हर कोई कर रहा था कि ऐसे दिग्गज नेता को, ऐसे कद्दावर नेता को हम कभी नहीं खोना चाहते। बड़े फैसले, जीएसटी जैसा बड़ा फैसला लिया, उसके बाद में जनता को समझाया भी कि क्यों ये फैसला उनके हित में है। हमारे संवाददाता अनिल हमारे साथ में एक बार फिर से जुड़ गए हैं। अनिल, बात दिल्ली की करें तो दिल्ली से भी एक अहम नाता रहा, देश के उच्च न्यायालय में, माफ कीजिएगा, दिल्ली के उच्च न्यायालय में वो वरिष्ठ वकील भी रहे।
देखिए जो अरुण जेटली का अगर बारे में कहा जाए तो वो एक अच्छे वकील थे जो सुप्रीम कोर्ट में ही प्रैक्टिस करते थे, जरूरत पड़ने पे कभी कई बार हाई कोर्ट में भी उन्होंने अपनी वकालत भी की है। तो उस दिल्ली के लिहाज से देखा जाए तो दिल्ली के लिहाज से वो काफी गद्दावर नेता था, और दिल्ली की जो राजनीति है उसमें कई ऐसे नेता हैं जो उनके ही बलबूते पर अब तक बीजेपी के अंदर वो टिकट लेते रहे या फिर वो जीतते रहे, क्योंकि उनके जो अगर ये कहा जाए कि एक तरीके से उनको लोग गुरु मानते थे अपना राजनीति का, तो बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो उनको अपना गुरु मानते थे दिल्ली की राजनीति से अगर देखा जाए तो, इसलिए उनका दिल्ली से जुड़ाव लगा हुआ था। और पिछले चाहे कोई 2015-14 का चुनाव हो चाहे उससे पहले के विधानसभा का चुनाव हो, तो दिल्ली में जो भी टिकट के बंटवारे होते थे उसमें उनका एक अहम भूमिका होती थी। दिल्ली में जो विधानसभा के टिकट बांटे जाते थे चाहे और उसके काउंसिल के टिकट बांटे जाते थे उसके अंदर उनकी एक अहम भूमिका होती थी, तो इसलिए उनका दिल्ली से एक खासा जुड़ाव रहा है। और वो जुड़ाव जो है अब जो नेता हैं जो दिल्ली के राजनीति करते दिल्ली की राजनीति में करते हैं उनके लिए एक गहरा सेटबैक है, हालांकि देश के लिए सेटबैक है लेकिन उन नेताओं के लिए ज्यादा सेटबैक है जो अब तक अरुण जेटली जी के नाम पर राजनीति करते रहे हैं। हालांकि इस दौरान अगर देखा जाए तो अरुण जेटली ने कई अपने अपने बड़े बड़े ऐसे ब्लॉग भी लिखे हैं जिनको पढ़ने के बाद बहुत से लोगों को लगता था कि इस ब्लॉग से उन्हें बहुत सारी जानकारियां भी मिलती थी, चाहे वो किसी के विरोध में लिखते हों या फिर किसी के फेवर में लिखते हों। तो वो एक ऐसे नेता थे जो अपने ब्लॉग के जरिए भी अपनी बात को जहां उनको पहुंचाना होता था वहां तक आसानी तक पहुंचा सकते थे। जी चंदन अनिल आपके पास आएंगे, हमारे इनपुट एडिटर सुजीत जी भी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। सुजीत जी, एक बहुत दुखद खबर दिल्ली के एम्स से 12:07 पर आई। दुआ हर कोई कर रहा था जब उनकी हालत गंभीर बताई जा रही थी कि एक कद्दावर नेता, एक बड़ा नेता और इतने बड़े बड़े फैसले लेने वाले नेता को कोई नहीं खोना चाहता था। देखिए अरुण जेटली के निधन से जहां देश को अपूर्णीय क्षति हुई है वहीं बीजेपी के लिए भी एक बहुत बड़ा झटका है, बीजेपी के लिए भी बहुत बड़ा नुकसान है। अरुण जेटली राष्ट्रीय बीजेपी में जितने सक्रिय थे उससे ज़्यादा सक्रिय वो दिल्ली की राजनीति में भी हमेशा रहे, और यही वजह है कि जो है उनको उनके जो काम हैं चाहे पार्टी के लिए हों चाहे देश के लिए हों वो हमेशा याद किए जाएंगे। और उनकी तबीयत आपने देखा होगा कि 2014 में जब उन्हें वित्त मंत्री बनाया गया था और उसके बाद से ही जो है सरकार का कार्यकाल पूरा होते होते उनकी तबीयत खराब रहने लगी थी, और यही वजह है कि जब 2019 में बीजेपी की दूसरी बार सरकार बनी और बीजेपी भारी बहुमत से जीत कराई तो उस समय भी अरुण जेटली ने खुद जो है प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर ये इच्छा जताई थी कि उनको जो है मंत्री ना बनाया जाए। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके इस पत्र के बाद खुद उनसे मिलने गए थे और उन्होंने आग्रह किया था कि सेहत जो भी जिस भी हालत में थे वो ये कहा उन्होंने कि सेहत ठीक है, लेकिन उन्होंने आग्रह किया था मंत्री बनने के लिए, लेकिन अरुण जेटली ने सेहत का हवाला देते हुए मंत्री बनने से इनकार कर दिया था। तो ये भी एक बड़ी बात थी, कह सकते हैं कि अमूमन ये देखने को नहीं मिलता, चाहे आदमी की जितनी भी सेहत खराब हो लेकिन अगर उसको मंत्री बनने का मौका मिल रहा हो तो बन जाता है, लेकिन उनके विचारों की ही बात है कि जो है वो खुद उन्होंने मंत्री बनने से इनकार किया। और कह सकते हैं कि उन्होंने अटल जी की सरकार में भी काम किया और उस सरकार में भी उन्होंने कई बड़े काम किए, और यही नहीं पार्टी के लिए भी लगातार वो काम करते रहे, और चुनावी राजनीति में वो चुनाव लड़वाने का काम करते थे, पार्टी का मैनेजमेंट देखने का काम करते थे, लेकिन खुद कभी चुनाव में सक्रिय रूप से नहीं उतरे। पहली बार उन्होंने अमृतसर से जो है लोकसभा का चुनाव लड़ा लेकिन वो चुनाव हार गए थे 2014 में जब उन्होंने पहली बार अमृतसर से चुनाव लड़ा था, लेकिन फिर भी उसके बाद वो लगातार राज्यसभा से जो है चुनकर आते रहे, और कह सकते हैं इस तरह से कि उनकी जो राजनीति रही है स्वच्छ राजनीति के तौर पर जानी जाती है, और किसी भी तरीके का कोई आरोप राजनीति में रहते हुए ना लगना ये अपने आप में बड़ी चीज थी। चलिए सुजीत जी आपके पास में फिर से आएंगे।